बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बीफ और कद्दू का सालन, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो बीफ लिया, आधा किलो हमारे ये घिया कद्दू हैं, और ये 100 ग्राम हमारे टमाटर, 100 ग्राम हमारे प्याज, सबस मिर्च, लहसुन, धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 बड़ा टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, सूखा धनिया। इसमें आज हम हांडी में सालन बनाएंगे। ये देखें, मिट्टी के बर्तन में सालन टेस्टी और लजीज बनता है। ये हम ये हांडी में गोश्त, जो बीफ का गोश्त है कट्टे का, अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, 100 ग्राम हमारे प्याज हैं, टमाटर 2-3 सब्ज मिर्च, लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च सुरख मिर्च, साबुत गरम मसाला ये डाल देंगे, ये नमक है हमारे 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे इसमें, सूखा धनिया। अब डालेंगे इसमें ये 1/2 किलो हमारा पानी है, ये पानी डालेंगे इसमें हम, ये पानी, ये 1/2 किलो है हमारा पानी, ये डाल दिया। अब इसे हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे, तकरीबन 1/2 घंटा लगेगा इसे पकने में। और ये 1/2 घंटा लगेगा तकरीबन हमारा ना बड़े गोश्त को गलने। ये देखें, अभी थोड़ा सा पानी रह गया, ये खुशक हो जाएगा ना, फिर हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें हम घी या कद्दू डालेंगे। कद्दू ठंडी सब्ज़ी है, हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, और आज हम बना रहे हैं कद्दू और बीफ का सालन। ये देखिए, ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल पानी खुशक हो गया। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, 1 किलो हमारा गोश्त था, 1/2 किलो हमारे कद्दू थे, और 100 ग्राम हमारा ऑयल है। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमारे नबी को कद्दू, घिया कद्दू बहुत पसंद था, और आज हमने सोचा हम भी कद्दू और बीफ का गोश्त बनाएं। हांडी में बड़ा लजीज और टेस्टी सालन बनता है। कद्दू, इसमें कद्दू डालेंगे, कद्दूओं को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये 1/2 किलो अब हम डालेंगे इसमें पानी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 किलो पानी। सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कद्दू गोश्त, अब हम डालते हैं इसमें ये थोड़ा सा धनिया, सब्ज मिर्च, ये सब्ज मिर्च डालूंगी, और ये डालूंगी कुटा हुआ गरम मसाला। अब हम निकालते हैं ये हमारा,
देखिए कितना अच्छा लजीज हमारा सालन गया। ये देखिए हमारा सालन कितना अच्छा और लजीज टेस्टी बीफ का गोश्त और कद्दू बना है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अब दें हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।